मोदी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है। निर्णय है कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी बिरसा मुंडा की जयंती के दिन देश भर में जनजाति स्वतंत्रता सेनानी महापुरुषों का स्मरण किया जाएगा। लेकिन इस निर्णय में बहुत खास बात है, यह असाधारण निर्णय है। इसे हम राम जन्मभूमि के निर्णय के समकक्ष भी देख सकते हैं। और क्यों ये निर्णय राम जन्मभूमि के निर्णय के समकक्ष है, इसके लिए इसकी कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। पिछले कुछ वर्षों से देश में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस यानी मूल निवासी दिवस के नाम पर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र कुछ संगठनों द्वारा जनजाति क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस दिन में जनजाति समाज को उनके नायकों, महापुरुष और परंपराओं के बारे में नहीं बताते, जबकि यह बताते हैं कि तुम ही आदिवासी हो, तुम ही मूल निवासी हो और बाकी ये जो हिंदू है ना, ये भारत के मूल निवासी नहीं है, इसलिए इस धरती पर तुम्हारा और बस तुम्हारा अधिकार है। आदिवासी दिवस की आड़ लेकर वे सब दल जनजाति क्षेत्र जैसे निमाड़, कझाबुआ, बड़वानी, इनमें कन्वर्जन करने वाली मिशनरी और मदरसे, ये सब इसी दिन के माध्यम से जनजातियों को शेष हिंदू समाज से तोड़ने का कुचक्र रचते हैं। और इस मूल निवासी दिवस को मनाने के पीछे की असली कहानी को छुपाकर दूसरी ही कहानियां बताते हैं। मूल निवासी दिवस की वास्तविकता तो अमेरिका के मूल निवासियों के क्रूर नरसंहार का दिन है, इतिहास का अत्यंत काला दिन है। अमेरिका के मूल निवासियों के नरसंहार को भारत में ये षड्यंत्रकारी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर हिंदुओं को तोड़ना है। इसलिए सरकार ने जनजाति समाज के लिए दिन रात कार्य करने वाले संगठनों और उन संगठनों के गहन अध्ययन के बाद 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, जो जनजाति सूर्य हैं, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन केवल जनजाति समाज ही नहीं बल्कि हम सब भारतवासी अपने जनजाति नायकों का, उनके शौर्य का, आध्यात्म का, दर्शन का स्मरण करेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जनजाति गौरव दिवस हम सब भारतीयों के गौरव का दिवस है। और इसलिए इन सब बातों से यह निर्णय राम जन्मभूमि के निर्णय के समकक्ष होता दिखाई देता है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने भी सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोया और उसके कारण हिंदुओं को तोड़ने वालों के षड्यंत्र बहुत हद तक असफल हो गए। जनजाति गौरव दिवस का आंदोलन चूंकि जनजाति समाज के मध्य लंबे समय से चल रहा है, इसलिए नगरवासी लोग इसका महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। इसका महत्व समझना है तो एक बार जनजाति क्षेत्रों में घूम कर आइए, वहाँ के अनुभव पता लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ संगठन, राजनीतिक दल, मिशनरी और मदरसे, ये सब जनजाति समाज के कन्वर्जन में लगे हुए हैं और कैसे उसके लिए 9 अगस्त का सहारा लिया जाता है, और तब आप जनजाति गौरव दिवस का महत्व समझ पाएंगे। इसलिए जनजाति गौरव दिवस को संपूर्ण समाज को उल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। स्कूल के बच्चों से लेकर व्यापारी, किसान, महिलाएं, बूढ़े, वृद्ध, सभी को जनजाति गौरव दिवस का, जनजातियों के गौरव को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि शिवाजी से लेकर राणा प्रताप तक की सेना में जनजाति बंधु ही थे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब हिंदू हैं। धन्यवाद।